पैट में युद्ध का रिहर्सल। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हो रहा है वॉर जोन में। आइए जल्दी से आपको वॉर से जुड़ी 10 बड़ी खबरें दिखाते हैं, फिर डिटेल्ड रिपोर्ट दिखाएंगे। वॉर ग्राउंड में बाल बाल चूका हाईमार्स का निशाना, रूसी ग्रैड रॉकेट लॉन्चर के बेहद करीब गिरा रॉकेट। यूक्रेनी अटैक के बाद रूसी ग्रैड ने ताबड़तोड़ रॉकेट दागे हैं। एक और बड़ी खबर, रूसी बेस पर यूक्रेनी आर्मी का बड़ा हमला, आपको दिखाते हैं। रूसी रेडियो ट्रैकिंग सिस्टम पर अटैक किया, खर्सौन में रूसी कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह हो गया। तीसरी बड़ी खबर, रूसी सैन्य काफले पर यूक्रेन का बड़ा अटैक, रूसी सैन्य वाहनों को चुन चुन कर टारगेट किया। हमले में काफले में मौजूद कई वाहन तबाह कर दिए। चौथी बड़ी खबर, क्रिमेनिया के पास रूसी हॉविट्जर तोप तबाह, यूक्रेन ने ड्रोन से अटैक कर रूसी तोप तबाह की। रूसी हॉविट्जर में दिखा जबरदस्त ब्लास्ट। पांचवी बड़ी खबर, अवदीवका में यूक्रेन की आर्मी का जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है। पिन पॉइंट टारगेट अटैक में रूसी टैंक के परखच्चे उड़ गए। हमले में रूस के 4 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया गया। रूस का यूक्रेन पर विध्वंसक पलटवार देखिए अब आप। छठी बड़ी खबर, रूसी एयरफोर्स की जबरदस्त एयर स्ट्राइक, यूक्रेनी मिलिट्री बेस पर मिसाइलें दागी। सातवीं बड़ी खबर दिखाते हैं आपको, रूसी सेना का यूक्रेन पर एक और बड़ा अटैक, रूस ने यूक्रेनी कमांड पोस्ट तबाह कर दी। रूस ने कामिकाजी ड्रोन से अटैक किया। आठवीं बड़ी खबर, एक्शन में नजर आया रूस का रॉकेट लॉन्चर, यूक्रेनी ठिकानों पर दागे ताबड़तोड़ रॉकेट। हमले में यूक्रेन को बड़े नुकसान का दावा। नौवीं बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, ओमान में यूक्रेन आर्मी का हथियार डिपो तबाह हो गया, रशियन एयरफोर्स ने जबरदस्त एयर अटैक किया। रूस ने हमले का वीडियो जारी किया, वीडियो में दिखा बहुत बड़ा धमाका। और दसवीं बड़ी खबर दिखाते हैं आपको, रूस ने यूक्रेनी मैक्स प्रो आर्मर्ड व्हीकल तबाह किया। यूक्रेन को अमेरिका से मिला है मैक्स प्रो आर्मर्ड व्हीकल। हमले के बाद धू धू कर जलता दिखा आर्मर्ड व्हीकल। जेलेंस्की और काउंटर अटैक से जुड़ी हुई बड़ी खबर देखिए, एटमी युद्ध का रिहर्सल क्या है यह भी हम आपको बताएंगे कि कैसे एक मिसाइल दागी गई बिल्कुल परमाणु अटैक की तरह। बस अंतर इतना था कि उसमें परमाणु बम नहीं लगा हुआ था, लेकिन यह किस लिए किया गया यह बहुत बड़ी खबर है। उससे पहले एक बड़ी खबर और आ रही है, रूस पर जल्द बड़े हमले की तैयारी में यूक्रेन, जेलेंस्की ने काउंटर ऑफेंसिव का ऐलान कर दिया है। रूस पर बड़े हमले की तैयारी में यूक्रेन, जेलेंस्की ने काउंटर ऑफेंसिव का ऐलान किया। पहली बार खुद जेलेंस्की ने इसका औपचारिक ऐलान किया है। जेलेंस्की ने कहा काउंटर ऑफेंसिव की शुरुआत हो चुकी है। जेलेंस्की ने कहा मोर्चे पर हथियारों की कोई कमी नहीं। तो एक तरफ जेलेंस्की ने काउंटर ऑफेंसिव का ऐलान कर दिया है, तो दूसरी तरफ पुतिन की यूक्रेन पर एटमी हमले की फाइनल तैयारी पूरी हो चुकी है। पुतिन अपने एटमी वेपन से हमले का रिहर्सल कर चुके हैं। दरअसल रूस ने यूक्रेन पर एटमी हमले का सफल सिमुलेटेड परीक्षण पूरा कर लिया है। रूस के साथ साथ अमेरिका ने भी बड़ी परमाणु तैनाती शुरू कर दी है। रूस और अमेरिका दोनों अपने अपने न्यूक्लियर हथियार यूरोप में तैनात कर रहे हैं। सुपर पावर के बीच आमने सामने की जंग कभी भी शुरू हो सकती है। सर्वनाश के समीकरण 1945 से भी ज्यादा विकट बन चुके हैं। विश्वव्यापी एटमी खतरे का अलार्म बज चुका है। देखिए कैसे दुनिया पर सबसे बड़ा संकट मंडरा रहा है। सुपर पावर्स में सीधी जंग की शुरुआत, बिछ गई न्यूक्लियर बिसात।
1945 से बड़ा एटमी संघार, विश्व विनाश के 5 प्रमाण। महाशक्ति अमेरिका बार बार जिस विश्व विनाशक संकट की आशंका जता रहा है, उसका पहला प्रहार हो चुका है। यूक्रेन पर न्यूक्लियर हमले का अभ्यास हो चुका है, कैसे ये देखिए। यूक्रेन पर न्यूक्लियर प्रहार का सफल परीक्षण हो चुका है। रूस ने यूक्रेन पर किया सिमुलेटेड एटमी मिसाइल से वार। मिसाइल में लगाया एटमी वॉरहेड का खाली बॉक्स। यूक्रेन पर कभी भी किया जा सकता है एटमी हमला। अमेरिका ने शुरू की बड़ी परमाणु तैनाती। युद्ध के मोर्चे से आई ये सबसे विनाशक खबर है। पहली बार रूस ने यूक्रेन पर सिमुलेटेड मिसाइल से न्यूक्लियर हमला किया है। बिना एटमी वॉरहेड वाली मिसाइल यूक्रेन पर दागी गई और ये माप जोक कर ली गई कि एटमी प्रहार से कितना बड़ा इलाका तबाह किया जा सकता है। यूक्रेन पर X-55 मिसाइल से हमला किया गया। बिना एटमी वॉरहेड लगाए मिसाइल दागी गई। रूस ने यह टेस्ट किया कि क्या यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम मिसाइल रोक पाएंगे। डिफेंस सिस्टम मिसाइल नहीं रोक पाए। मिसाइल के इंजन ब्लास्ट से हुए नुकसान को आंका गया। इसके साथ ही कंप्यूटर से न्यूक्लियर विस्फोट की कंप्यूटर सिमुलेशन की गई। कंप्यूटर से आंका गया कि किस क्षमता का एटमी वॉरहेड कितना बड़ा इलाका तबाह कर सकता है। रूस का ये एटमी परीक्षण सफल रहा है। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम रहे। सिमुलेटेड एटमी हमला करके ये तय किया जा चुका है कि यूक्रेन पर किस मिसाइल से कितनी क्षमता का एटमी वॉरहेड दागा जाएगा। रूस ने यूक्रेन पर टैक्टिकल एटमी हमला करने की रणनीति बना ली है और इसीलिए यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव रोकने के लिए नेटो पर दबाव बनाना बहुत जरूरी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी ये मान चुके हैं कि लंबे समय से जिस काउंटर ऑफेंसिव की आशंका थी वो यूक्रेन शुरू कर चुका है। यूक्रेन की सेना रूस के अहम सैन्य ठिकानों को लगातार निशाना बना रही है, इसीलिए यूक्रेन पर एटमी हमले की तैयारी पूरी हो चुकी है। पुतिन अपने सबसे करीबी मित्र बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको को एटमी हमले के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों नेताओं की खास मुलाकात के बाद एटमी हथियार तैनात करने का ऐलान हो चुका है। सोवियत संघ टूटने के बाद यह पहली बार हो रहा है कि रशियन फेडरेशन से बाहर रूस के न्यूक्लियर हथियार तैनात किए जा रहे हैं। रूस के एडवांस्ड और अचूक हथियार बेलारूस को मिलने का मतलब है यूक्रेन और नेटो पर दोहरा खतरा। बेलारूस को न्यूक्लियर हथियार मिलने से अमेरिका के लिए खतरा बढ़ जाएगा। बेलारूस कहता है कि नेटो उसकी संप्रभुता के लिए खतरा है। लुकाशेंको यूरोप में नेटो के सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकते हैं। यूक्रेन पर भी टैक्टिकल न्यूक्लियर हमला किया जा सकता है। बहुत बड़ी रणनीति के तहत बेलारूस को एटमी हथियार दिए जा रहे हैं। पुतिन के इस कदम के बाद अमेरिका ने भी अप्रत्याशित कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।
अमेरिका ने पहले से ही यूरोप में 100 न्यूक्लियर बम तैनात कर रखे हैं, लेकिन अब अमेरिका उन देशों में न्यूक्लियर हथियार तैनात करने वाला है जो नेटो के सदस्य तक नहीं है और रूस के पड़ोसी है। गैर नेटो सदस्य देशों में हथियारों की तैनाती इस बात का संकेत है कि अमेरिका रूस के खिलाफ सबसे बड़ा न्यूक्लियर चक्रव्यूह तैयार कर रहा है। रूस के खिलाफ इस जंग में नेटो के 31 देश और अमेरिका के कई सहयोगी देश खड़े हैं। महाशक्ति के इतने बड़े गठबंधन से निपटने के लिए रूस ने भी सुपर पावर से गठबंधन की रणनीति तैयार कर ली है। संकेत साफ है कि अमेरिका के खिलाफ चीन और रूस एक साथ युद्ध में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। रशियन आर्म्ड फोर्सेस के चीफ जनरल गेरासिमोव ने चाइना आर्म्ड फोर्सेस के कमांडर से बात की है। गेरासिमोव का कहना है कि दुनिया में बढ़ते असंतुलन को लेकर जो चीन और रूस की गठबंधन वाली दोस्ती है वो दुनिया में शक्ति संतुलन करेगी। चीन के साथ रूस की नो लिमिट पार्टनरशिप है, दोनों देश बड़ा न्यूक्लियर युद्धाभ्यास कर सकते हैं। चीन ने रूस के मिलिट्री ऑपरेशन का खुला समर्थन किया है, साथ ही रूस को हथियारों और सैन्य सामान की सप्लाई भी की है। जंग के समीकरण ऐसे बन रहे हैं जिनसे कभी भी न्यूक्लियर हमले की आशंका बढ़ रही है, क्योंकि इसके 5 प्रमाण जग जाहिर हो चुके हैं। पहला प्रमाण है सिमुलेटेड एटमी मिसाइल से सफल परीक्षण हो चुका है। दूसरा प्रमाण है रूस के परमाणु हथियार बेलारूस पहुंच रहे हैं। परमाणु प्रहार परीक्षण के ठीक बाद चीन रूस के साथ खड़ा हो गया है। चौथा प्रमाण है गैर नेटो सदस्य देश स्वीडन में अमेरिका परमाणु हथियार तैनात करने वाला है। और पांचवा प्रमाण है बेलारूस की तर्ज पर यूक्रेन को न्यूक्लियर वेपन मिल सकता है। अमेरिका और रूस दोनों तरफ से न्यूक्लियर अटैक की तैयारियां हो चुकी हैं। हमले की आशंकाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि अमेरिका को इंटेलिजेंस इनपुट मिला है कि रूस बड़ा हमला करने की तैयारी कर चुका है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक रूस ने क्रीमिया के इंडस्ट्रियल केमिकल प्लांट में विस्फोटक लगा दिए हैं। दावे के मुताबिक रूस बड़ा केमिकल अटैक प्लान कर रहा है। प्लांट में विस्फोट करके चेर्नोबिल से भी बड़ा हादसा किया जा सकता है। अमेरिकी जनरल बीते साल से कह रहे हैं कि एटमी खतरा बढ़ता जा रहा है। अब बार बार आशंका जताई जा रही है कि विनाश से धरती कुछ ही कदम दूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस को लगातार उकसा रहा है यूक्रेन। रूस के अंदर घुसकर फिर ड्रोन अटैक किया है यूक्रेन ने। लगातार रूस को उकसाने वाली कार्रवाई करता हुआ यूक्रेन रूस के अंदर घुसकर इस तरह से ड्रोन अटैक किया यूक्रेन ने। रूस के कालुगा शहर पर ड्रोन से हमला किया। रूस ने ड्रोन को हवा में मार गिराया। वो यूक्रेन का ड्रोन हवा में ही आग के गोले में तब्दील हो गया। लेकिन ये बताता है कि किस तरह से यूक्रेन का मन बढ़ा है और उसने रूस के अंदर घुसकर ड्रोन अटैक तेज कर दिया। प्रेम नहीं आ लेती सुका। स्मारी ब्लेड। स्मारी। स्मारी ब्रा।
और डोनेट्स से बड़ी खबर है, डोनेट्स के ब्लागोदाटने पर यूक्रेन ने हमला किया है। ब्लागोदाटने में रूसी फौज को खदेड़ने का दावा किया है यूक्रेन ने। यूक्रेन का दावा, ब्लागोदाटने पर यूक्रेनी सेना ने कब्जा कर लिया है। एक इमारत पर यूक्रेनी झंडा फहराने का वीडियो भी जारी किया यूक्रेन ने। उधर रूसी फ्रंटलाइन तोड़ने में भी यूक्रेन कामयाब हुआ है, यह जानकारी भी है। कई इलाकों में रूसी फ्रंटलाइन में घुसे हैं यूक्रेनी। ब्रिटिश डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह दावा किया है। काउंटर ऑफेंसिव में रूस को भारी नुकसान हुआ है, यह अमेरिका का दावा है। तो रूस को लेकर अमेरिका और नेटो की स्ट्रैटेजी पूरी तरह से बदल चुकी है। न्यूक्लियर वॉर और वर्ल्ड वॉर के खतरों की वजह से अमेरिका और नेटो देश दबाव में थे। यूक्रेन को घातक और लॉन्ग रेंज के हथियार नहीं दिए गए, लेकिन सवा साल बीत जाने के बाद अब अमेरिका को एहसास हो चुका है कि युद्ध में यूक्रेन की हार हुई तो साख अमेरिका और नेटो की खराब होगी। यही वजह है कि ब्रिटेन ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल की सप्लाई दी है। तो भाई अमेरिका में भी यूक्रेन को घातक मिसाइल देने की मांग उठ रही है। F-16 जैसे फाइटर जेट देने की मंजूरी के बाद अब अमेरिका $2 बिलियन के हथियार तक देने जा रहा है। रूस की जमीन पर ऐसा धमाका हो, अमेरिका को इसमें कोई संकोच नहीं। यूक्रेन की जमीन से मिसाइल फायर हो और आग का गुबार रूस की सीमा के भीतर उठे, इसमें भी अमेरिका को अब कोई संकोच नहीं। रूस न्यूक्लियर वॉरहेड इस्तेमाल करे या फिर नेटो देशों पर अटैक की धमकी को सच करे, अमेरिका को इसका भी डर नहीं। अमेरिका अब सिर्फ और सिर्फ रूस की बर्बादी चाहता है। अब सवाल सिर्फ यूक्रेन की सुरक्षा का नहीं बल्कि अमेरिका की साख का भी है। रूस यूक्रेन पर कहर बरपाता रहे और अमेरिका न्यूक्लियर हथियारों के डर से चुप रहे, अब ऐसा नहीं होने वाला। अब अमेरिका की स्ट्रैटेजी फाइनल हो चुकी है। यूएस का प्लान रूस पर कोहरा, अब यूक्रेन से F-16 फाइटर जेट उड़ान भरेगी। अब यूक्रेन 300 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलें दागेगा। अब यूक्रेन रूस के शहरों को भस्म कर देगा। यूक्रेन से आए इस सैलाब ने बाइडेन के इरादे को और पक्का कर दिया है। हथियारों की लिस्ट तैयार हो चुकी है। इस बार फैसला अकेले बाइडेन का नहीं बल्कि फैसला अमेरिका की संसद का है। अमेरिका के सांसदों ने नया प्रस्ताव पेश किया है। यूक्रेन को अटैक एमएस मिसाइल देने की मांग की गई है। बाइडेन सरकार से यूक्रेन को मदद भेजने की अपील की गई है। अमेरिका में एक्शन की शुरुआत भी हो चुकी है। हथियारों की लिस्ट बना ली गई है। कुल $2 बिलियन के हथियारों को फाइनल किया गया है। $2 बिलियन के हथियार देगा यूएस। अमेरिका यूक्रेन के आसमानी कवच को और मजबूत बनाने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका को यह पक्की जानकारी मिल चुकी है कि ईरान से बड़े पैमाने पर रूस को कामिकाजी ड्रोन की सप्लाई की जा रही है। अमेरिका की लिस्ट में जो हथियार हैं, उनमें सबसे पहले नंबर पर है पैट्रियट डिफेंस सिस्टम। पैट्रियट बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन पूरे यूक्रेन को कवर देने के लिए बड़े पैमाने पर पैट्रियट देना अमेरिका के लिए मुश्किल है। इसलिए हथियारों के लिस्ट में दूसरा नाम हॉक एयर डिफेंस सिस्टम्स का है। यूक्रेन के सैनिकों के हाथों में आप युद्ध की शुरुआत से ही स्टिंगर मिसाइल लॉन्चर देखते रहे। अमेरिका ने यूक्रेन को स्टिंगर मिसाइल बहुत पहले ही दे दिया था, लेकिन अब इसी मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन यूक्रेन के आसमान की रक्षा करेगा। इसका नाम है हॉक एयर डिफेंस सिस्टम।
हॉक इंटरसेप्टर मिसाइल स्टिंगर मिसाइल सिस्टम का अपग्रेडेड वर्जन है। हॉक सिस्टम को अमेरिकी डिफेंस कंपनी रेथियन टेक्नोलॉजीज ने बनाया है। अमेरिकी सेना अब हॉक सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करती है। ये ड्रोन मिसाइल और फाइटर जेट को गिराने में सक्षम है। अमेरिका की सेना को पैट्रियट मिल चुका है। यही वजह है कि हॉक एयर डिफेंस सिस्टम एक रिटायर्ड हथियार की तरह है। यही वजह है कि अमेरिका यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा हॉक की सप्लाई कर सकता है। अमेरिका के हथियारों के लिस्ट में तीसरे नंबर पर है 105 mm और 203 mm के गोले। चौथे नंबर पर है लेजर गाइडेड रॉकेट सिस्टम। अब एक और नया ड्रोन अमेरिका से यूक्रेन पहुंचने वाला है। इसका नाम है प्यूमा। अमेरिका ने हथियारों की जो लिस्ट बनाई है उसमें प्यूमा ड्रोन पांचवें नंबर पर है। ये साइज में बहुत छोटा है और सबसे खास बात है कि इसे आर्मी के जवान आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं और बिना किसी लॉन्चर के मदद के हवा में उड़ा सकते हैं। प्यूमा ड्रोन 6 घंटे तक हवा में रह सकता है। बैटरी से चलने वाले ड्रोन की रेंज 60 किलोमीटर है। खास बात है कि इस ड्रोन को हाथों से ही लॉन्च किया जा सकता है। प्यूमा को सर्विलांस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वॉर जोन से ऐसी कई तस्वीरें आई जिससे पता चलता है कि यूक्रेन ड्रोन से पहले रूस की आर्टिलरी, रूस के टैंक और सेना की मूवमेंट का पता लगाता है और फिर हाईमार्स और आर्टिलरी से अटैक करके रूस के सैनिकों को खत्म कर दिया जाता है। लेकिन जो सबसे घातक हथियार यूक्रेन को मिलने जा रहा है, जिसकी मांग अमेरिकी सांसद कर रहे हैं, वो ज़ेलेंस्की की बहुत पुरानी डिमांड है। इस हथियार का नाम है अटैक एमएस, यानी आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम। ये मिसाइल अमेरिकी सेना की बहुत बड़ी ताकत है। स्टॉर्म शैडो मिसाइल को फायर करने के लिए यूक्रेन के फाइटर जेट्स को टेक ऑफ करना पड़ता है, लेकिन अमेरिकी अटैक एमएस को ट्रक से जमीन पर कहीं भी ले जाया जा सकता है और रूस की जमीन को दहलाया जा सकता है। अटैक एमएस अमेरिका की टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है। अटैक एमएस को M270 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से लॉन्च किया जा सकता है। मिसाइल की रेंज करीब 300 किलोमीटर है। इसे यूएस की लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन ने तैयार किया है। मिसाइल सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है। अमेरिका इसके अलावा यूक्रेन की सेना की जरूरत के हिसाब से बहुत कुछ देने जा रहा है, लेकिन इस बीच यूक्रेन को इसराइल से भी एक घातक हथियार की सप्लाई हुई है। इसराइल का ये हथियार टैंक किलर के नाम से मशहूर है, नाम स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल। रूस की तरफ इसराइल को भी हथियार सप्लाई करने की सूरत में धमकी दी गई थी, लेकिन इसराइल ने इसे नजरअंदाज कर दिया और स्पाइक से अब रशियन आर्टिलरी और टैंक का संहार शुरू हो जाएगा। स्पाइक एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। स्पाइक मिसाइल की क्षमता 4 किलोमीटर दूरी तक वार करने की है। मिसाइल रात के अंधेरे में भी दुश्मन को पहचान कर सही वार कर सकती है। स्पाइक NLOS स्पाइक फैमिली का सबसे एडवांस वेरिएंट है। इसे हेलीकॉप्टर के जरिए फायर किया जाता है। स्पाइक NLOS की रेंज करीब 32 किलोमीटर है। अमेरिका जो कर रहा है वो इतिहास की याद दिला रहा है। 1991 में जिस तरह से सोवियत संघ टूट कर बिखर गया था, कहा जा रहा है कि अब बाइडेन भी रूस को तोड़ने के मिशन पर आगे बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और नेटो देशों से जुड़ी एक बड़ी खबर है, जहां अटैक कर सकता है रूस। ये बड़ी खबर है वॉर के बीच। पुतिन जल्द ही अटैक की घोषणा कर सकते हैं, यानी अब अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, इनमें से किसी पर भी अटैक हो सकता है। रशियन टीवी की सीनियर जर्नलिस्ट ने यह दावा किया है। रूस को मजबूर कर रहा है पश्चिम कि ये नेटो देश पर अटैक करे। और एक और बड़ी खबर, वॉर जोन में अब चेचन फाइटर एक और जगह मोर्चा संभालेंगे। चेचन लड़ाकों की दो नई रेजिमेंट तैयार की गई हैं। फ्रंट लाइन के लिए रमजान कादिरोव की बड़ी तैयारी। दो नई रेजिमेंट रमजान कादिरोव ने तैयार की हैं। अब ये नए इलाके कब्जाने का काम शुरू करेंगे। एक अभियान के तौर पर यह काम शुरू किया जाएगा। एक और बड़ी खबर, रूस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। यूक्रेन ने 8 में से 2 क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल गिराने का दावा भी किया है यूक्रेन ने।
35 में से 20 गैरान 2 ड्रोन गिराए, यह यूक्रेन का दावा है। 12 रूसी ऑरलैंड ड्रोन भी मार गिराए, यह भी दावा किया है रूस ने, यूक्रेन ने। तो युद्ध का फाइनल फेज शुरू हो चुका है। वॉर जोन में विनाश की नई और सबसे बड़ी रेस शुरू हो चुकी है, क्योंकि पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों ने ही वॉर ग्राउंड पर घातक और हैरतअंगेज अस्त्र उतार दिए। लड़ाई का लेवल इतना बढ़ गया है कि ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन जल्द ही खत्म हो जाएगा। पुतिन ने सूमी से लेकर ओडेसा तक नया बारूदी ऑर्डर तैयार कर लिया है और इसी के साथ यूक्रेन के सर्वनाश का ऑर्डर दे दिया है। पिछले 24 घंटे में रूस ने इतना बारूद बरसाया कि यूक्रेन के 10 इलाके खंडहर बन चुके हैं। वो बारूदी फायर है जिसमें यूक्रेन ध्वस्त हो रहा है। ये विनाश की वो अग्नि है जो यूक्रेन को जला रही है। ये वो विध्वंस है जो बड़े और घातक हथियारों से हो रहा है। रूस और यूक्रेन में एक साथ कई फ्रंट पर विध्वंसक जंग हो रही है। यूक्रेन नेटो वेपन से हमले कर रहा है तो रूस अपने संहारक हथियारों से बदला ले रहा है। पिछले 24 घंटे में 1000 टन बारूद बरस चुका है। इसके बाद वॉर ग्राउंड पर हर तरफ तबाही का मंजर है। रूस का विध्वंस इस बात का ऐलान कर रहा है कि वॉर का फाइनल फेज शुरू हो चुका है। यूक्रेन क्रीमिया पर प्रहार करने के लिए लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन रूसी फौज उसे आगे बढ़ने नहीं दे रही। नतीजतन दोनों देशों में एक साथ कई फ्रंट पर महाविनाशक युद्ध हो रहा है। ओडेसा में रूसी फौज ने इतने धमाके किए कि यूक्रेन के कई पोजीशन धुआं धुआं हो गया। सेपोरिसिया में पुतिन पलटन ने नेटो के खतरनाक हथियारों की कब्र खोद दी। सेपोरिसिया में ही रूस ने यूक्रेन के MiG-29 फाइटर जेट को हवा में ही उड़ा दिया। रूस ने आसमान से इतनी मिसाइलें बरसाई कि खेरसोन बारूदी अग्नि में जल गया। सूमी में ऐसा युद्ध हो रहा है कि वहां बारूद की सुनामी आ गई। रशियन आर्मी इतनी मिसाइलें और रॉकेट ला रही है कि खार्किव खंडहर बनता जा रहा है। डिप्रो में रूस ने यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को फेल कर दिया। पुतिन का ये वो विध्वंस है जो यूक्रेन के काउंटर अटैक के बाद लॉन्च हुआ है। पुतिन ने पहली बार ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन ने भीषण पलटवार लॉन्च कर दिया है। रूस के काउंटर अटैक ने पुतिन को महाविनाश का मौका दे दिया है। मौका मिलते ही रूसी फौज ने फुल स्केल स्ट्राइक लॉन्च कर दी। ये वो बारूदी प्रहार है जिससे यूक्रेन खत्म होता जा रहा है। पुतिन का प्रचंड प्रहार 6 दिनों से जारी है। पिछले 150 घंटे में यूक्रेन के 5500 जवान मारे जा चुके हैं। 200 टैंक तबाह हो चुके हैं। 500 के करीब आर्मर्ड व्हीकल्स ध्वस्त हो चुके हैं। 6 फाइटर जेट तबाह हो चुके हैं। 2 हेलीकॉप्टर का भी खात्मा हो चुका है।
परेशान करने वाली बात यह है कि सर्वनाश का सिलसिला तेज रफ्तार से जारी है। इस वक्त 10 इलाकों में भीषण बार पलटवार हो रहा है। इस बारूदी भवंडर की वजह है यूक्रेन का काउंटर अटैक। ज़ेलेंस्की क्रीमिया पर हमला करना चाहते हैं। यूक्रेनी फौज क्रीमिया की तरफ बढ़ना चाहती है, लेकिन रूस के हमले के आगे वो हर बार बेबस हो जा रही है। ये पहली बार है जब युद्ध में यूक्रेन नेटो के बड़े और खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। पश्चिमी देशों के हथियारों को खत्म करने के लिए रूस उससे भी ज्यादा डेंजरस वेपन से हमला कर रहा है। यही वजह है कि हमले और तबाही का स्केल बहुत बढ़ गया है। पुतिन के विस्फोट से यूक्रेन का पूर्वी और दक्षिणी इलाका तबाह होता जा रहा है। रूसी फौज ने सूमी से लेकर ओडेसा तक बारूदी बेल्ट तैयार कर दी है। ये वो बेल्ट है जिसे भेद पाना यूक्रेन के बस की बात नहीं, लेकिन इसके बावजूद यूक्रेनी सेना पीछे हटने के मूड में नहीं है। ज़ेलेंस्की को हर हाल में क्रीमिया चाहिए। यूक्रेन लगातार क्रीमिया पर प्रहार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका हर हमला नाकाम रहा है। एक सीक्रेट वॉर रिपोर्ट के मुताबिक ये जानकारी सामने आई है कि यूक्रेन क्रीमिया पर लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमला कर सकता है। सवाल ये है कि क्रीमिया पर हमला हुआ तब क्या होगा, पुतिन का अगला कदम क्या होगा? जवाब एक ही है, एटमी सर्वनाश। पुतिन ने क्रीमिया को रेड लाइन घोषित कर रखा है। अगर क्रीमिया पर हमला हुआ, अगर रेड लाइन क्रॉस हुई, तो पुतिन एटमी जलजला लाएंगे जिससे यूक्रेन का विनाश हो जाएगा। पुतिन जिस दिन न्यूक्लियर ऑपरेशन लॉन्च करेंगे, उसी दिन जंग में अमेरिका और नेटो की डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी, और इसी के साथ शुरू हो जाएगा तीसरा विश्व युद्ध। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। ज़ेलेंस्की के लिए एक बुरी खबर है, रूसी सेना में शामिल हो रहे हैं वॉलंटियर्स। बढ़ चढ़कर सामने आ रहे हैं ये वॉलंटियर्स। 10 दिन में करीब 13,500 वॉलंटियर्स शामिल हुए हैं रूस की सेना में। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने दावा किया है। उधर ज़ापोरिज़िया में रूस ने यूक्रेनी टैंक को उड़ा दिया। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने वीडियो जारी करके ये जानकारी दी। ज़ापोरिज़िया में ड्रोन से रूस ने टैंक उड़ा दिया। उधर यूक्रेन ने रूसी ट्रेनिंग कैंप पर हमला किया। यूक्रेनी हमले में 50 से अधिक रूसी सैनिकों की मौत हो गई। यह दावा यूक्रेन का है, बहुत बड़ा दावा यूक्रेन ने किया है। रूस की ओर से अटैक की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन यूक्रेन कह रहा है कि उसने एक ट्रेनिंग कैंप पर अटैक कर रूस के 56 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि यूक्रेन ने लोकेशन नहीं बताई।